गाय हरी घास खाती है तो फिर दूध का रंग सफेद क्यों है? और बिना सीमेंट के ताजमहल इतना मजबूत कैसे बना? ऐसे ही मजेदार सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, गाय ज्यादातर घास या दूसरी हरी चीजें ही खाती है, लेकिन इसके दूध का रंग सफेद ही क्यों होता है? विज्ञान के नजरिए से समझेंगे तो पाएंगे कि इसके लिए कई बातें जिम्मेदार है। पहली वजह है कि दूध में एक बहुत अहम प्रोटीन पाया जाता है जिसे कैसीन कहते हैं। दूध के सफेद दिखने के लिए यही प्रोटीन सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। इसके अलावा दूसरी वजह है इसमें मौजूद फैट। जिस दूध में जितना ज्यादा फैट होगा वो उतना ज्यादा सफेद होगा। फैक्ट नंबर 2, जब ताजमहल बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था तो आखिर कैसे ताजमहल आज इतनी मजबूती से टिका हुआ है? दरअसल शाहजहां का ताजमहल साल 1631 से लेकर 1648 के बीच बनकर तैयार हुआ था, और उस वक्त दुनिया में सीमेंट का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो फिर शाहजहां का ताजमहल बना कैसे? उस दौर में जब सीमेंट नहीं बना था तब प्राचीन इमारतों को बनाने के लिए एक खास पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था, और ताजमहल बनाने के लिए भी इसी पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बतासे, बिलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकड़ को मिक्स किया जाता था, और इसके बाद उसे चूने के पानी में मिलाया जाता था। इस तरह से एक सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार करके ताजमहल जैसी इमारतों को तैयार किया जाता था। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इस देसी जुगाड़ से ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार की जाती थी और आज तक वो इसी मजबूती से टिकी है। ऐसे ही और मजेदार फैक्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।